नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं आपके साथ कंचन कुमारी। चलिए एक नजर डालते दिन भर की तमाम खबरों पर। सबसे पहले इस न्यूज के प्रायोजक हैं ग्रेसफुली टेस्ट थोड़ा हटके। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए सिलीगुड़ी के विभिन्न घाटों में सामाजिक दूरी के साथ मनाया गया पितृ तर्पण। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए सिलीगुड़ी के विभिन्न घाटों पर सामाजिक दूरी के साथ मनाया गया पितृ तर्पण। सिलीगुड़ी में पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच विभिन्न घाटों पर पितृ तर्पण का पालन किया गया। महालय की सुबह सिलीगुड़ी शहर के बीच से बहने वाली महानंदा नदी के किनारे स्थित लाल मॉल की घाट नौका घाट पर तर्पण करने वालों को देखा गया। उक्त कार्यक्रम के दौरान ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया था। सभी घाटों पर सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए पूर्वजों की आत्मा की शांति को लेकर तर्पण किया गया था। साथ ही पुरोहितों ने सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखा। बिना मास्क के लोगों को घूमने पर पाबंदी रही। लापरवाही के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। सिलीगुड़ी के 40 नंबर वार्ड में माकपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। सिलीगुड़ी के 40 नंबर वार्ड में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन जिला सभापति प्रवीण अग्रवाल के हाथों किया गया। उक्त उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा के जिला सभापति प्रवीण अग्रवाल, जिला जनरल सेक्रेटरी राजू शाह, उप सभापति सुशील मित्तल, मंडल प्रेसिडेंट श्री दीपांकर चक्रवर्ती, सेक्रेटरी श्री तूफान शाह, सिलीगुड़ी बस्ती यूनियन कन्वेंशन श्री अरिबंद विश्वास तथा अन्य कार्यकर्ता। भाजपा महिला मोर्चा सभानेत्री अग्नि मित्रा पॉल ने मृतक भाजपा के कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने पहुंची महानंदा घाट। भाजपा महिला मोर्चा सभानेत्री अग्नि मित्रा पॉल भाजपा के मृतक कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने महानंदा घाट पर पहुंची। महानंदा नदी के लाल मोहन मॉल की रंजन घाट पर मृतक पक्ष की सुबह पहुंचकर भाजपा के मृतक कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दिया गया। बाघाजतीन एथलेटिक क्लब द्वारा 36वें वार्षिक मैराथन रेस का आयोजन किया गया। बाघाजतीन एथलेटिक क्लब द्वारा 36वें वर्षीय मैराथन रेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम का आयोजन रॉयल एकेडमी से बाघाजतीन क्लब तक किया गया था, जिसमें 40 लोगों ने भाग लिया था। महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों में तीन तीन लोगों ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किए। पुरुष वर्ग में विजेताओं के नाम इस प्रकार है: प्रथम रंजन अली, द्वितीय संदीप शाह एवं तृतीय रतन बर्वन। वही दूसरी और महिला वर्ग में विजेताओं के नाम इस प्रकार है: प्रथम पायल मल्लिक, द्वितीय रोशनी मंडल एवं तृतीय पियाली विश्वास। समस्त विजेताओं को नगद राशि सहित मेडल एवं ट्रॉफी दिया गया, जिसमें प्रथम स्थान के विजेता को 7,000, द्वितीय स्थान वाले को 5,000 एवं तृतीय स्थान वाले को 3,000 रुपए नगद राशि दिया गया। साथ प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतियोगियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सिलीगुड़ी में मनाया गया सेवा दिवस। सिलीगुड़ी 10 नंबर वार्ड में सूर्य सेन पार्क के मुख्य दरबार के पास भाजपा के जिला संपादक प्रसन्नजीत पाल के उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम का पालन किया गया। साथ ही आज के दिन को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। उक्त कार्यक्रम के दौरान 1,000 लोगों के बीच मिठाई वितरण कर खुशियां मनाई गई। प्रसन्नजीत पाल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि राज्य के विभिन्न इलाकों में बीते कई दिनों से एवं आने वाले एक सप्ताह तक भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा दिवस का पालन किया जाएगा, जिसके तहत गरीब असहाय लोगों को भरपेट भोजन, कंबल वितरण, पुस्तक वितरण इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने आज के दिन राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्य के जनता को केंद्र सरकार द्वारा जारी योजनाओं से वंचित रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अपने फायदे के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई योजनाओं से वंचित रख रही है, जिससे कि आम आदमी को बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। मालदा में 405 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ दो गिरफ्तार। मालदा कालियाचक थाना अंतर्गत गोपालगंज से सटे इलाके में पुलिस ने गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बाबुरबोना आम बगान से दो लोगों को 405 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम अनुकूल 35 वर्ष एवं लोकमान्य शेख 25 वर्ष है। दोनों का घर सादा ग्राम में है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर मामले से जुड़े मुख्य आरोपियों के पता लगाने में जुटी हुई है।
मानबाजार महकमा के विभिन्न इलाकों में धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा पूजा। आदिकाल से सनातन संस्कृति के अनुसार विश्व निर्माता के रूप में बाबा विश्वकर्मा जी को पूजा जाता है, क्योंकि दुनिया में प्रगति में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी चीजों के जनक बाबा विश्वकर्मा को माना जाता है। इसी क्रम में आज भारत सहित बंगाल के माल महकमा अंतर्गत विभिन्न इलाकों में विश्वकर्मा जी की पूजा धूमधाम से मनाई गई। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से पूजा पंडालों में भीड़ कम देखने को मिली, साथ ही पूजा कार्यक्रम को बृहद रूप से नहीं किया गया। माल महकमा के माल बाजार डाबडीम, उदलाबाड़ी, बांगरा कोट, चंदा कंपनी एवं बांसाबाड़ी चाय बगान इलाकों में विश्वकर्मा जी की पूजा धूमधाम से मनाई गई। अब तक आप देख रहे थे खबर आजकल। लगातार खबरों को पाने के लिए हमारे पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूले और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।